दोस्तों, आज की डेट में हम आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका बजट 10,000 के अंदर है तो आप जो कि ओप्पो और वीवो में से कौन सा सेट खरीद सकते हैं जिसमें आपको प्रोसेसर और अच्छी क्वालिटी का रैम मिल जाएगा, जो आपका मोबाइल चलने में हैंग नहीं करेगा, हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं आएगा और लुक और डिज़ाइन में भी आपको बेटर रहेगा। तो हमारे पास ये तीन फ़ोन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मॉडल है ओप्पो A11 के, जिसमें आपको 2 GB का रैम, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे कुछ मेन हाइलाइटेड दिए गए हैं, जैसे कि आपको 6.22 इंच का HD+ वाटर ड्रॉप स्क्रीन मिलेगा, साथ में आपको 4230 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि एक लॉन्ग बैकअप आपको मिल सकता है इसमें, और AI डुअल रियल कैमरा आपको मिल जाता है, साथ में इसमें फिंगरप्रिंट भी अटैच दिया गया है। तो दोस्तों, ओप्पो की ब्रांड जो मोबाइल है उसमें आपको 9,000 के प्राइस के आसपास में आपको फिंगरप्रिंट के साथ ये मोबाइल मिल जाता है। उसमें और भी स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, अगर आप 10,000 के अंदर में मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, आप इसको ख़रीद सकते हैं। और इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ओप्पो के बाद देखिए वीवो का आता है। वीवो में ये Y1S है और ये भी Y1S में, इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें आपको 2 GB का रैम, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको 2 GB का रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ओली ब्लैक कलर का ये है, इसमें आपको 6.22 इंच का हेलियो फुल व्यू डिस्प्ले आपको मिल जाता है, जो नॉच कैमरा के साथ आपको मिलता है, प्लस 4030 mAh की एक बैटरी मिल जाती है, जो कि इनबिल्ट बैटरी है और अच्छा जो कि वर्क करती है, और बैकअप भी आपको लॉन्ग मिलेगा। साथ में यहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 10.10 पे ये बेस्ड है। इसके साथ साथ दोस्तों, इसके अगर कलर की बात करें तो कलर और डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, तो ये मॉडल हम अभी यहाँ साइड में रखते हैं और उसके बाद ये भी मॉडल हम यहाँ पे साइड में रख देते हैं। इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये देखिए मोबाइल 10,000 के आसपास में ये मोबाइल आपको आ जाएंगे आसानी से मार्केट में। ऑफलाइन आप ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें आपको 3 GB का रैम मिल जाता है, साथ में इसमें भी फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा, 3 GB और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है। ये है दोस्तों ऑरोरा ब्लू कलर का है। इसमें आपको अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले आप यहाँ पे देख सकते हैं 6.22 इंचेस का है, जो कि इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम डिस्प्ले है, इसमें भी सेम डिस्प्ले है। बैटरी जो कि 4030 mAh की बैटरी है इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें एक खास ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट, और इसमें रैम आपका बढ़ जाता है, और इस वाले में आपको रैम जो कि 2 GB 32 GB है, इसमें आपको 3 GB का रैम और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाता है, जो कि ये काफ़ी अच्छा जो कि। इसके अगर हम डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, तो ये हम अनबॉक्स करके आपको दिखा देते हैं ये फ़ोन। तो फ़ोन के अंदर अनबॉक्स करने के बाद ये एक किस मिल जाता है, जिसमें आपको एक बैक कवर मिलता है, सिम इजेक्टर टूल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, साथ में ये दो रहा दोस्तों, देखिए मोबाइल आप देख सकते हैं, इसका कलर जो कि काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं, ब्लू कलर है। और इसका अगर रैपर हटाएं हम तो, एक मिनट, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस कलर में आता है दोस्तों, इसका कलर काफी अच्छा है, यहाँ से देखने में आपको बहुत ही अच्छा लुक आपको मिल जाता है। साथ में यहाँ पे आपको कैमरा जो फ्रंट का है ये नॉच डिस्प्ले में ही दिया गया है, और साइड में आप देख सकते हैं इसमें माइक्रो USB का यूज किया गया है, माइक्रो केबल और डॉल्बी का स्पीकर आपको मिल जाता है, बगल में 3.5 mm की ऑडियो जैक मिल जाती है, और माइक है सामने आप देख सकते हैं। कलर जो कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये मोबाइल की खासियत होती है। अगर एक वीवो कंपनी और ओप्पो कंपनी मोबाइल जो भी बनाती है, मेड करती है, तो वो 10,000 के अंदर भी अच्छे से अच्छा स्पेसिफिकेशन से के साथ आपको सभी चीज़ जो कि देना चाहती है, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड किसी भी मोबाइल से आप कंपेयर करें तो आपको बेटर रिस्पॉन्स मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें फिंगरप्रिंट यहाँ पे दिया गया है, और फिंगरप्रिंट का डिज़ाइन भी
काफ़ी अच्छा दिया गया है डिस्प्ले, और बॉडी से ज़्यादा ऊपर नहीं दिया गया है ना ही जो कि नीचे दिया गया है, ये एकदम डिस्प्ले और बॉडी सेट अटैच में है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको लुक जो कि मिल जाता है। तो दोस्तों ये रहा तीन मोबाइल जो कि आप 10,000 के आसपास में अगर बजट है तो आसानी से खरीद सकते हैं। इसके लिए आप जो कि ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमारे शॉप के आसपास में हैं विकास कम्युनिकेशन सामने घाट, तो आप हमारे यहां से भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मोर इन्फॉर्मेशन जैसे कि मोबाइल और शॉप का मिल जाएगा, उससे आप विजिट कर सकते हैं हमारे शॉप पर और आप कोई भी मोबाइल पसंद कर सकते हैं। तो दूसरा जो भी हमारे पास जैसा भी वेरिएंट आएगा हम उसका वीडियो बना करके आपके यहाँ शेयर करेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट अपना राय जो कि ज़रूर शेयर करें।